देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका धर्म का चैनल में। फिर से हम मौजूद हैं, देख सकते हैं आप करिया की धाम, नरसिंह धाम। ओह वानर सेना स्वागत। और इस वक्त मेरे साथ आए मोहित और उनके पिताजी अंकल जी, थोड़ा आगे की तरफ निकल गए। आज हम यहाँ पे परिक्रमा करेंगे और आपको बीच बीच में जो परिवेश है इस धाम का दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगा लो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हमने घूमना है और ये कम से कम कितना, 3-4 किलोमीटर का है? तीन या चार किलोमीटर की परिक्रमा। हाँ, और काफी इंडस्ट्रीज है चारों तरफ, देख सकते हो आप। ये मार्ग है और चारों तरफ हरियाली, आप देखो वाव। एक खास बात और है, ये जो आप देख रहे हो जंगल, ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर से आप लकड़ी का एक तिनका भी उठा के नहीं ले जा सकते, ऐसी मान्यता है। काफी घना है परिक्रमा मार्ग, ये आप देखिए। कह रहे थे लकड़ी यहाँ से चुन भी नहीं सकता, देखिए आप यहाँ पे, ये लकड़ी आप देख सकते हो सड़ रही है, खा माखा सड़ रही है। वो देखिए वहाँ लकड़ी पड़ी हुई है, कोई उठा नहीं सकता। सो देखिए ये, अब ये सूखा हुआ पेड़ है, कोई भी काट के ले जा सकता है इसको, है ना, चूल्हे के काम आ जाएगा, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाएगा। काफी शक्तिशाली सिद्ध स्थान है, कभी मौका मिले पृथला पलवल जिले के अंदर आता है ये, और यहाँ पर आपको आके आत्मिक शांति मिलेगी। देखिए बीच में अब इस जंगल में यहाँ पर स्थान बना हुआ है। जय हो। यह है लड़का ना हुआ था। अच्छा, मतलब क्या? हाँ, 40 साल बाद लड़का हुआ उसको। अच्छा, यहाँ से मन्नत मांगने के बाद? हाँ, तो उसने बाबा जी के लिए गाड़ी दी। अच्छा, और जो आप बनो भंडारो करो गाड़ी देगा। अच्छा जी, वादन तो और बढ़िया पूजन पूजन है लगो। अच्छा अच्छा, चंडी। यहाँ बाबा जी मतलब कौन से थे जो सिद्ध थे? सिद्ध तो कई मूर्तियाँ यहाँ। अच्छा, मतलब बहुत से बाबाओं ने यहाँ पे तपस्या करी है। हाँ। अच्छा, फाइनली परिक्रमा मार्ग समाप्त। सवा कोस, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास, पता ही नहीं चला। इतनी अद्भुत शक्ति है स्थान की, पता ही नहीं चला। दोस्तों आप भी आइए। वहाँ से हमने उस साइड को परिक्रमा स्टार्ट कर दी, उस गेट के आगे से। अब ये यहाँ पे आ चुका मेन मंदिर, इस साइड में शनिदेव मंदिर, और यहाँ पे एक पोखर सा है, वनखंडी धाम है ना। वनखंडी महाराज जी के दर्शन। जय श्री राम। अद्भुत दर्शन होंगे। पहले तो आप देखिए पोखर, इनके अंदर कछुए आपको बहुत से मिलेंगे, अगर दर्शन हुए तो दर्शन आपको जरूर दिखाएंगे। कछुए हैं, मछली हैं, देखिए आप यहाँ पर किस्मत से दर्शन होते हैं जी। और ये भगवान शिव दर्शन करवा देंगे। 11 शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप करिए। जय हो। Thank you.
दोस्तों फालनी, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, आरती करते हैं। जय हो, शनिदेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तमाम शनिदेव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो न्याय के देवता होते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल वो वैसा ही देते हैं। साढ़े साथी आती है, लोग डरते हैं, लेकिन देखिए आपको एक काम करना है, साढ़े साथी के दौरान डरना नहीं है, साढ़े साथी के दौरान आपको अच्छे कर्म करने हैं। जैसे आपके कर्म होंगे एंड में आपको फल भी वैसा ही वो देके जाएंगे दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। कैसा पुराना संत निवास, अच्छा ये संत निवास था, देखिए पुराना वाला काफी, अभी ये नया रिनोवेशन हुआ है कुछ इस साइड में, आप काफी तरक्की कर चुका है ये धाम, बहुत शक्तिशाली धाम है दोस्तों। प्रयास कीजिए आपका जीवन में ऐसे जो धामों के दर्शन करते रहने चाहिए, गुरुओं के दर्शन करते रहने चाहिए, बहुत प्रभाव मिलता है। ये स्पेशल मंदिर क्यों बनाए गए थे हमारे देश में, आपको मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ, ऊर्जा का स्थान होता है, जरूर जाइए इन ऊर्जा के स्थानों में, ऊर्जा प्राप्त कीजिए, आपके जीवन में बहुत 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 एक बदलाव आता है। मेरे तो जीवन में आया, और हमारे मित्र के वजह से हम भी थोड़ा घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे स्थान ये हमें बताते हैं, हम आते हैं। तो देखिए ये करिया के धाम है, पृथला पलवल जिला, किसी को भी पूछेगा यहाँ पे आप आइए, ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी पीसफुल। और देखिए इसकी महिमा बता सकते हो, परिक्रमा थी इतना लंबा में चलने का, आदि लोगों को पता नहीं चला। तो दिस वन ऑफ द पावरफुल प्लेस टू विजिट। कुंड के दर्शन कराते हैं, काटे काटों का ध्यान रखें जब भी आप आए, इसमें कछुए मछली भी हो सकती है, धांधल कछुए से बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, अभी देखना आप दोस्तों, किस्मत होगी तो मिलेंगे। ये आ गया देखिए आप यहाँ पर, ओहो हो देख सकते हैं आप, ये देखिए अब हलचल हो जाएगी इनमें अपने आप, ओहो अद्भुत, ये बाहर ही आ जाएगी, तुम पीछे ही रहो पापा, बाहर ही आएगी देखेंगे, देखना बहुत बड़ी है, बाहर ही आ जाएगी, ओहो हो देखिए दोस्तों अब आपको कुछ दिखने वाला है जबरदस्त। देखिए दोस्तों पूरा फैमिली है, फैमिली ये सारे दर्शन।